हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट 13,000 रुपीज़ है और उसमें आप एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 ऐसे फ़ोन बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे। या दोस्तों जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया कैमरा देखने को मिलेगा, एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो भी बिग बैटरी के साथ में। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को मैं बताता हूँ कौन से वो टॉप 5 फोन्स हैं जो कि अंडर 13,000 रुपीज़ हैं। तो आज की इस लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे फ़ोन है वो सैमसंग गैलेक्सी M21 है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एक्जीनोस 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें दोस्तों तो सैमसंग का नाम लेते ही सबके दिमाग में आ जाता है कि सैमसंग का मोबाइल है तो आपको कम से कम 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों इसमें भी आपको 6000 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इसमें आप ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में, जिसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 5 MP का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको जो 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेल्फी लवर हो या एक यूट्यूबर हो या एक ब्लॉगर हो और आप फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो को शूट करते हो तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। और ये जो वेरिएंट है दोस्तों इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है, जिसमें आप इसके स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो 512GB तक। और इसका जो प्राइस है 13,499 है, यहाँ तो 13,000 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें अगर आप ऑफर्स को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12,999 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो चौथे नंबर पर फ़ोन है। चौथे नंबर पर जो फ़ोन है वो है रियलमी का 6i। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T मिल जाता है, जो कि 12nm प्रोसेसर है। इसके बारे में मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आप इसमें कोई सा भी गेमिंग करेंगे बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है और 16 MP का इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज जो है, आप इसके स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो 256GB तक। और इसका जो प्राइस है 12,999 है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर फ़ोन आता है वो पोको M2 प्रो है। अब दोस्तों पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो दोनों सेम ही फ़ोन हैं। अगर आप रेडमी के नाम से लेना चाहते हैं तो आपको नोट 9 प्रो लेना पड़ेगा और पोको का लेना चाहते हैं तो आपको पोको M2 प्रो लेना पड़ेगा। और इसके स्पेसिफिकेशन जो है सेम है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है वो एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है मोबाइल के साथ में। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, आप इसके स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो मेमोरी कार्ड लगा के 512GB तक। और इसका जो प्राइस है 12,999 है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पर फ़ोन आता है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है और ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी नार्जो 30 जो कि दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 90Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G95
प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 एमएच की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ ही में दोस्तों आपको इसमें 30 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है मोबाइल के साथ। और कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम भी देखने को मिल जाते हैं। वेरिएंट की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 4GB 64GB जो स्टोरेज है आप इसके स्टोरेज को 256GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो और इसका जो प्राइस है 11,999 है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा पहले नंबर पे फोन आता है वो Redmi Note 10 है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है प्लस दोस्तों इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी साथ में मोबाइल के देखने को मिल जाएगा। अब कैमरे की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा जो इसमें आपको मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है आप इसकी स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हो दोस्तों 512GB तक मेमोरी कार्ड लगा के और इसका जो प्राइस है 12,999 है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।